सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपकी कुछ ऐसी स्किल्स आपको सीख के आनी है जो एक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन लोगों को काफ़ी सारी जॉब देने में हेल्प करती है। और आपको जो है स्टूडेंट एरा से या फिर जो डिपेंडेंट में आ रहे हैं, उन लोगों को तो जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि स्टूडेंट आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक होता है। जो जो डिपेंडेंट आते हैं उन लोगों को भाई फुल टाइम वर्क परमिशन होती है। तो अगर वो लोग इस तरीके की स्किल्स वगैरह सीख के आएंगे, या फिर स्टूडेंट भी अगर इस तरीके की स्किल्स वगैरह सीख के आएंगे जो जैन इनटेक में आ रहे हैं या सेप्टेम्बर इनटेक में आ रहे हैं, उन लोगों को जो एक जॉब मार्केट से स्टैंड आउट होने में हेल्प मिलेगा। और आप लोगों को लगता होगा कि इंडिया में उन सब की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन सारी स्किल्स की वैल्यू है। तो मैं आपको एक ये तीन चार वेबसाइट तो मैंने अभी के लिए फॉर रेफरेंस पर्पज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके की जो है स्किल्स वगैरह टूल अपनी सीख के आनी है। सबसे पहले जो हेयर ड्रेसर और जो जिसको नाई वगैरह बोलते हैं ना, तरीके की यहाँ पे जॉब जो है बहुत सारी होती है। तो अगर मैं देखूँ हेयर ड्रेसर या उसको आप अगर देखोगे तो इससे 11 से 12 पाउंड, और अगर इस तरीके की जॉब अगर आपको काम वगैरह आता है तो इजी आपको जॉब मिल जाएगी। और आप अपने किसी भी सिटी में हो ना आप, और अगर आप हाई स्ट्रीट पे या अपने टाउन सेंटर वगैरह पे जाओगे तो वहाँ पे हेयर ड्रेसर बहुत सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आज की डेट में भाई 12 से 13 पाउंड के पर कटिंग रेट हो गया। और अगर आप किसी के साथ में काम करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। तो देखो इतनी तो आज की डेट में 10.42 बेसिक रेट है, और अगर आपको 12 से 13 या 14 पाउंड भी पर आवर मिलता है तो भी काफ़ी अच्छा आपका अमाउंट जो है बन जाएगा। सेकंड जो मेरी इस लिस्ट में है वो है देखो कारपेंटर की जॉब। तो कारपेंटर अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो देखो 1750 कारपेंटर जॉब्स आ रही है। और भाई ये देखो कितनी ज़्यादा सैलरी, 28,000 से 31,000 तक की सैलरी है इनकी। और ये देखो मतलब किसी कंपनी के अंडर भी काम कर सकते हो आप, और या फिर इंडिविजुअल पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन आप अगर शॉप में जाके भी पता करते हो या किसी कंपनी के अंडर में भी काम करते हो तो इस तरीके की देखो आपको सैलरी जो है मिल जाएगी। और पर आर के बेस पे मिलती है या नहीं मिलती मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट स्टूडेंट अलाउड होते हैं नहीं होते ये आपको कंपनी से पता करना पड़ेगा। और लेकिन डिपेंडेंट तो डेफिनेटली अलाउड होते हैं। तो अगर आपको कारपेंट्री का काम या फिर प्लम्बिंग का काम वगैरह आता तो ये देखो कारपेंटर प्लम्बर इतनी सैलरी है। तो उसके इसके हिसाब से भी 25-20 पाउंड पर आवर के बेस पे ये बनता है। अगर डिडक्शन वगैरह के बाद भी आप देखो तो भी आपको 15 से 20 पाउंड तो फिर भी मिनिमम बन ही जाता है आपका डिडक्शन। और ये देखो मंथली अलाउंस भी आपको मिलता है इन सब चीज़ों में। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको इस तरीके का प्लम्बर या कारपेंटर का काम आप लोगों को आता है तो आपके मतलब आपको जॉब मार्केट से थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाओगे, और आपको काम मिलने के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इस लिस्ट में जो नेक्स्ट है वो है कंस्ट्रक्शन की जॉब। कंस्ट्रक्शन की जॉब के लिए आपको पता है कि एक CS कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है। ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने उस पहले एक पर्सन का इंटरव्यू लिया था तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यार वो जितना काम करता है उसको जितनी नॉलेज है उसने बता दिया था कि कितने दिनों में आपका कार्ड बन जाता है, किस लोगों से बनवाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके का काम आपको कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब में देखो काम हार्ड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन आपको कार्ड वगैरह बनवाना पड़ेगा तो इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की काम में उतनी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस। मैंने काम नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन के काम में काफ़ी सारी जॉब है। और आपको जो अकॉर्डिंग टू हिम जो उसने वीडियो में बताया था तो 15 से 20 पाउंड के बीच में आपको मिल जाता है। किसी डिपेंड करता है कंपनी के साथ आप कर रहे हो या एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, तो काफ़ी सारी जॉब उसमें भी है। और डिपेंड करता है लोकेशन भी आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें तो लोकेशन पर मैटर करती है। फिर कंपनी किस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो वो भी मैटर करती है। तो और अगर आप साइट मैनेजर वगैरह बन जाते हो तो आपकी देखो सैलरी भाई मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। और नेक्स्ट इस लिस्ट में जो जॉब है वो है सिक्योरिटी की जॉब। तो सिक्योरिटी की जॉब के लिए तो आपको पता ही है भाई, उसमें भी इनिशियल टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लाइक 500 पाउंड के करीब आपको इन्वेस्टमेंट लगता है, 500 से 600 के पाउंड। लेकिन आपका 1 महीने के अंदर आप कार्ड वगैरह बनवा सकते हो। और जिन लोगों को कम इंग्लिश वगैरह आती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो डिपेंडेंट में आ रहे हैं फुल टाइम कर सकते हैं। और भाई सिक्योरिटी की जॉब में काफ़ी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं इनिशियल डेज में, और आपको शिफ्ट वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हर एक नेक्स्ट पर्सन जो भी पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं, हर कोई मतलब एशियन कंट्री से मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सिक्योरिटी की जॉब ही करते हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हो तो भाई लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लगता है। तो अगर आप सेविंग्स वगैरह करके अगर बनवा सकते हो तो आपको जॉब वगैरह मिलने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और आपको मतलब यह है कि जॉब वगैरह ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, विद इन
विदिन 1 to 3 मंथ्स जो है इनिशियली जॉब मिल जाएगी, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, 11 से 12 पाउंड के बीच, 13 पाउंड के बीच, एंड अगेन डिपेंड्स ऑन आप एजेंसी के थ्रू काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, एंड लोकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्लस में अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो या वीकेंड में शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वीकेंड के शिफ्ट में भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, और अगर आप बैंक हॉलीडेज वगैरह में काम कर रहे हो तो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। और जो मंडे टू फ्राइडे जिसको वीक डेज बोलते हैं, तो वीक डेज में थोड़ी सी नॉर्मल पे होता है, लाइक एवरेज 10 to 10.50 वगैरह इस तरीके का। सो जो नेक्स्ट इस लिस्ट में है जॉब, वो है कुक और शेफ़ की। अगर आपको कुकिंग आती है या शेफ़ का काम अगर आप पहले से करके आते हो या आप सीख के आते हो, तो भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि देखो ये वाली कुक और शेफ़ की जॉब है, 11.45 से 12.50 पाउंड के बीच में आपको अर्निंग होगी, तो मिनिमम इसमें 10 पाउंड से 15 पाउंड के बीच में। और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है लाइक 4 to 5 ईयर्स का, तो भाई 18 पाउंड पर आवर की भी जॉब मिल जाती है इसमें। यह है कि डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और अगर आपको काम यहाँ पर सीखना है तो भी जो है कंपनी या एजेंसी आपको सिखा देती है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस में इंटरेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे तो केयरों में भी कुक वगैरह और शेफ़ वगैरह की ज़रूरत होती है, तो आप एज अ कुक या शेफ़ अगर काम करना चाहते हो केयर होम में, तो वो भी कर सकते हो। प्लस में रेस्टोरेंट और जो मैगडी वगैरह, इनमें तो ऑब्वियसली मिली जाती है, या फिर जितने भी टेक अवेज वगैरह होते हैं उनमें मिली जाती है। और ई शेफ़ की या कुक की जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लगा अगर आप टाउन सेंटर या अपने हाई स्ट्रीट वगैरह पे जाते हो, तो वहाँ पे भी जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उनसे भी बात कर सकते हो और काफ़ी सारी जॉब वगैरह ले सकते हो। तो ये वाली स्किल्स में आपको इजीली इतना 11 से 15 के बीच में मिल जाएगा रेट, और जॉब भी मिलने में इजी होती है। और अगर आप इन तरीके की वेबसाइट लाइक इंडीड, लिंक्डइन पे या टोटल जॉब पे या फिर सीवी लाइब्रेरी वगैरह पे देखते हो, तो भी आपको मिल जाएगी ईजीली। बाकी जो डोमिनोज, मैकडी या जितने भी बर्गर किंग वगैरह जो फास्ट फूड चेन्स है, उनकी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इंडीड या फिर सीवी लाइब्रेरी वगैरह इन पे भी आती है। तो अगर आपको लाइक इन सब ये सबवे या फिर जितनी भी फास्ट फूड चेन्स, इनमें जो जॉब वगैरह करने के लिए आपको सर्च करना है, तो आप डेफिनेटली मतलब ये वेबसाइट वगैरह चेक कर सकते हो, इंडीड वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, अदरवाइज जो मैं जैसे मैंने बताया उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके अप्लाई कर सकते हो। और ये भी लाइक नॉर्मली प्रोसेस होता है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है आज की डेट में। लाइक अगर आप मैकडी के स्टोर पे जाके पता करते हो कि जॉब के लिए, तो वो दे विल टेल यू कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, करियर पेज पे जाके अप्लाई करो, या फिर इस तरीके की जो भी जॉब पोर्टल है, इंडीड, लिंक्डइन, मतलब इंडीड या सीवी लाइब्रेरी या जितने भी है टोटल जॉब्स वगैरह, इन पे जाके अप्लाई कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टीचिंग असिस्टेंट की जॉब भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। अगर आपको टीचिंग का काम आता है या आपने किसी एज अ टीचर या प्रोफेसर काम कर रखा है पुराना, तो मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपको, तो भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। जैसे कि इस जॉब में देखो 11.5 से आपको 12.5 के बीच में रेट मिल जाएगा। और बाकी फुल टाइम जॉब के लिए तो ऑब्वियसली जैसे जो डिपेंडेंट पे आ रहा है जिनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लोग फुल टाइम अलाउड होते हैं, तो वो अगर इस तरीके की जॉब करते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा रेट जो है मिल जाएगा। ये मैंने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में भी बताया था। और इस तरीके की वेबसाइट जो है इन पे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उनकी ऑफिशियल पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हो कि अगर कोई वैकेंसी वगैरह है टीचिंग असिस्टेंट के लिए या लाइव असिस्टेंट वगैरह के लिए, या फिर किसी और तरीके का भी जो टीचिंग से रिलेटेड हो, तो आप उस तरीके की जॉब भी कर सकते हो, और इसमें भी काफ़ी अच्छी पे होती है। और ये यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस वगैरह में तो जॉब ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन वगैरह भी होते हैं, तो उन पे भी जाके आप पता कर सकते हो। और ये सब सारा प्रोसेस भी आपको ऑनलाइन ही करना है, और ऑनलाइन ही मिल जाएगा इन वेबसाइट पर भी। और अगर आप किसी कंपनी को जानते हो या एजेंसी को जानते हो, तो उनसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यही सब था आज की वीडियो में, आप बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले, बाय बाय।